दोस्तों आपने YouTube के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर हमें हैंड कटर की ठल बनाने के बारे में दिखाया जाता है, लेकिन जो तरीका आपने देखा होगा YouTube के ऊपर काफ़ी सालों से एक ही तरीके से ठल बनाने के बारे में दिखाया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जो आपको ठल बनाकर दिखाने वाले हैं हैंड कटर की, वो नए तरीके से आपको बना करके दिखाएंगे। बिल्कुल नया तरीका होगा और काफ़ी काम में आने वाला तरीका होगा, तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो ठल बनाने के लिए सबसे पहले ये जो पीस है ये 6 mm MDF का पीस है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और इस तरह से ये 12 इंच है। इसको आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठल बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो लंबाई वाली साइड है इसका आपने यहाँ से सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल करके आपने गुनिये में ऐसे निशान लगा देना है और यहाँ से आपने क्या करना है कि 2.5 इंच का इधर निशान लगाना है और 2.5 इंच का यहाँ से निशान लगाना है। 2.5 इंच से जैसे कि अभी ये निशान है 2.5 इंच का, तो एक सूत आपने बड़ा इस तरीके से बढ़ा करके निशान लगा लेना है गुनिये से, और इसका भी एक सूत बड़ा बाहर की साइड से आपने ऐसे निशान लगा देना है। तो ये जो सेंटर वाला निशान हो गया है, ये 2.5 इंच वाला निशान है इधर से, ये 2.5 इंच वाला निशान है, 2.5 इंच से आपने एक सूत बड़ा रखना है, यानी कि 2 इंच 6 सूत का निशान लगाना है इधर से और सेंटर से लेकर के 2 इंच 6 सूत का यहाँ से निशान लगाना है। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ये धार, ये एज देख रहे हैं यहाँ से, आप इसे 6 सूत का निशान लगाना है, 1/4 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। यहाँ से आपने 1/4 इंच का निशान लगाना है और 1/4 इंच का निशान लगाने के बाद में मार्किंग गेज की मदद से आपने इसको पूरा 1/4 इंच के ऊपर यहाँ से इसको सेट करना है। तो भी मार्किंग गेज की मदद से आपने इस तरीके से निशान लगाना है, आप देख सकते हैं ये जो निशान, आप ये दोनों तरफ से आपने ये निशान लगाना है। और ये जो गुनिये का जो निशान है वो भी आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं। सेंटर वाला जो निशान है उसको आपने दूसरी साइड पे लगाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी दोनों साइड पे ये निशान लग चुका है। तो ये निशान लगाने के बाद में आपने यहाँ से ये जो मार्किंग गेज का आपने निशान लगाया, वहाँ से आपने 5 सूत का एक और निशान लगाना है। यहाँ से 5 सूत का निशान लगाया और मार्किंग गेज की मदद से आपने इस निशान के ऊपर इसे सेट करना है, मार्किंग गेज को आधा एक सूत, आधा सूत का कोई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इस तरीके से निशान लगाना है और दूसरी साइड से भी आप निशान लगा लें, ठीक है। तो ये बीच की जो जगह है वो 5.25 इंच है, यहाँ से ये जो निशान लगा है ये 6 सूत का है और बीच में ये 5 सूत की ये जगह है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, बिल्कुल सफाई से हम इसे निकालेंगे। तो इसे निकालने का क्या तरीका होगा कि अभी ये जो हैंड कटर है इसके अंदर अभी कोई ठल नहीं लगी है, इसको आपने यहाँ से लूज़ ही रखना है, ये देख सकते हैं, आपने इसे टाइट नहीं करना है इस तरीके से, ये ठल को आपने लूज़ रखना है इस तरीके से। तो ये जो निशान है इसके ऊपर हम इसी मदद से ठल लगाएंगे। ठीक है, ये कट लगाने के बाद में सतरी की मदद से, 1/2 इंच वाली जो सतरी होती है उसकी मदद से ये जो निशान है यहाँ तक इसको कटिंग कर लेना है। ये जिस तरीके से हम ये ठल आपको बनाकर दिखा रहे हैं इसके कितने फ़ायदे होने वाले हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखना है अपने वीडियो को। नए कारपेंटर साथ देखने के साथ में इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो कट आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने कट, तो ये काम हो चुका है। तो अभी इसका जो आगे का काम आपने क्या करना है कि हमने ये आप देख रहे हैं
ये जो होल आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये और नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3 और 4 ये जो होल हमने निकाले हैं, ये जो स्क्रू होते हैं ब्लैक वाले, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास स्क्रू भी हैं। ये जो 1.5 इंच वाले जो स्क्रू हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये होल हमने प्लेट के अंदर इस तरह से निकाले हैं कि ये जो स्क्रू हम इसके अंदर से इसमें टाइट करेंगे तो इसकी जो चूड़ी बनी हुई है वो इसके अंदर ही टाइट हो जाएंगे। ज़्यादातर कारपेंटर हमारे दोस्त क्या करते हैं कि ठल लगाने के बाद में इस तरह से होल थोड़ा बड़ा निकालते हैं और इधर से जो स्क्रू लगा करके दूसरी साइड से लकड़ी की कोई पैकिंग देते हैं या फिर कोई टुकड़ा देते हैं, वो पेच क्या है कि उस लकड़ी के अंदर कसा जाता है, लेकिन उसकी क्या है कि ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है, वो कुछ समय के बाद में वो लकड़ी वगैरह उसके अंदर से निकल जाती है, वो ख़राब हो जाती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप पूरा पूरा इसके अंदर होल निकालेंगे, जितना ये आपके पास स्क्रू है कि इसकी जो चूड़ी है उसके अंदर ये टाइट हो जाएगा, तो इसी तरीके से अगर आप टल बनाएंगे तो काफ़ी उसकी लाइफ होगी। तो इस तरीके से हमने ये होल निकाल लिया है पहले, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस तरीके ये जो ठल बनाई है इसको आपने कैसे सेट करना है। इसको आपने यहाँ पे इसे टाइट कर देना है और ये आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा करके ये जो निशान आपको हमने दिखाए थे वो निशान आपने इसके ऊपर उतार लेने हैं, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो साइड है यहाँ से आएगी बिल्कुल, आपने ये और ये जो साइड है बिल्कुल एक जितनी ही रखनी है, बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए ये प्लाई के अंदर, ठीक है। और ये वाली जो साइड है इसको मैं आपको बताता हूँ कि कितने इंच आपने यहाँ से इसको छोड़ना है। तो अभी क्या है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे भी आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है इस प्लाई के, और यहाँ से ये जो जगह आपने छोड़नी है इंच टेप से बिल्कुल सही तरीके से निशान लगा करके 1 इंच आधा सूत की आपने ये जगह छोड़नी है। तो 1 इंच आधा सूत के हिसाब से आपने इसे छोड़ करके ये जो निशान हमने ठल के अंदर, ये जो कटर वाली ठल थी इसके अंदर जो हमने पहले निशान लगाए थे वो निशान हम इसके अंदर उतारेंगे। तो ये वाली जो साइड है एक जितनी होनी चाहिए, 3.5 इंच इधर है, तो भी हम इसको 3 इंच 3 इंच दोनों साइड से आ चुका है। तो 1 इंच आधा सूत हमने इसको हैंड कटर की ये जो साइड है बाहर वाली जो साइड, ये 1 इंच आधा सूत हमने छोड़नी है। तो इसके हिसाब से क्या है कि ये वाली जो साइड है यहाँ से ये वाली, ये आपने छोड़नी होगी 1 इंच आधा सूत, ये भी, बिल्कुल ध्यान से ये काम करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार इसे अच्छे तरीके से इसे सेट कर लिया तो बार बार इसे आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 इंच आधा सूत का ये निशान हो गया। तो ये जो निशान पहले हमने निकाले, ये जो ठल के अंदर हमने निकाले थे, जितना हम आपको स्क्रू की जितनी मोटाई होती है उसके जितने जो होल हमने निकाले थे वो निशान अभी हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो निशान, चारों निशान लग चुके हैं, इसके अंदर हम निशान के ऊपर कसेंगे। तो अभी ये होल भी हमने निकाली है। ये जो दूसरी वाली साइड है जो बाहर वाली साइड रहेगी, इस साइड पे हम इसकी गुर्जिश करेंगे कि जो स्क्रू है वो इसके अंदर चला जाए। तो गुर्जिश भी हमने कर ली है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हैंड कटर को इसके अंदर लगा करके
जो ठल है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और इसकी जो सेटिंग वगैरह आपने किस तरह से करनी है, और ये जो इतना बड़ा ये होल हमने रखा है, इतना खुला हमने इसको रखा है, इसका क्या करना है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये वाला जो पार्ट इसका सही है या नहीं। तो सीधी धार की आपको एक फट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चाहे आप आरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरी है, उसकी मदद से आपने किस तरह से चेक करना है कि ये ठल बिल्कुल ये वाला जो पार्ट सीधा है या नहीं। तो आरी को आपने बिल्कुल कटर के इस तरह से बिल्कुल साथ में लगाना है, आरी को बिल्कुल आराम से इसको साथ में लगाना है, यहाँ से बिल्कुल टच रहनी चाहिए आरी, ठीक है। और इस निशान को आपने ऐसे निशान को खींचना है। तो ये जो थोड़ा सा इसका पार्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1 इंच 2 सूत है और यहाँ पे ये 1 इंच है, तो इतना जो फर्क है ये हमने निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, इस निशान से हमने बिल्कुल जितना ये निशान है उसके जितना ही हमने इसको रखना है, 1 इंच ये है और 1 इंच ही हमने इसको यहाँ पे रखना है, और इतना हम इसको रंधे की मदद से इसे निकाल देंगे। तो अभी हम दोबारा इसे चेक करेंगे, ठीक हो चुका है। तो अभी हम आपको एक पीस काट करके दिखाएंगे। ये 1 इंच पूरा निशान इसका बाकी बचा है, तो आपने 1 इंच का ही जो ये निशान होता है ये आपने 1 इंच के हिसाब से ही इसको लेकर के चलना है। आप 1 इंच से ज़्यादा या कम इसको ना रखें, क्योंकि अगर आप 1 इंच का हिसाब किताब से इसे रखेंगे तो कोई भी आपने पीस की कटिंग करनी है, जैसे कि आपने 1-2 इंच की पीस की कटिंग करनी है तो आप 1 इंच का निशान लगा करके काटेंगे तो वो सही से 1 इंच के अंदर मेजरमेंट में आएगा, आपको ज़्यादा हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको 1 इंच 5 सूत का पीस चाहिए तो 5 सूत ज़्यादा आप इसका निशान लगा करके कटिंग कर सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि अगर आप 1 इंच का निशान रखेंगे तो मेजरमेंट के अंदर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अभी ये जितना पार्ट हमने इसको खुला रखा है, इसका क्या कारण है इसको खुला रखने का, तो अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो अभी ये जो पार्ट हमने इसका ये इतना खुला रखा है, इसका रखने का कारण यही है कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम इस टुकड़े के अंदर से हमने कोई पीस निकालना है, कटिंग करना है, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, तो अभी हमने ये जो निशान लगा लिया है, तो अगर हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये जो पार्ट इतना खुला होगा, तो हम क्या है कि ये जो निशान आप देख सकते हैं, इस निशान को आप इसके अंदर से भी देख सकते हैं यहाँ से, तो आप हैंड कटर की मदद से यहाँ से इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पे जैसे अब ये खुला है, ये खुला नहीं होता, अगर कटर आपने पूरा पूरा इसके अंदर से निकाला होता तो आप कभी भी कोई निशान के अंदर से, जैसे कि अपने आपने इसको यहाँ से स्क्वायर आपने इसको कटिंग करना है, तो आप बिल्कुल इसका अकेले हैंड कटर की मदद से इसको अंदर से यहाँ से देख करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये जगह नहीं होती तो आप क्या करते कि इंची टेप की मदद से यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा करके, यहाँ से भी 1 इंच का निशान लगा करके फट्टी रख करके आप इसकी कटिंग करते। तो अभी आपके पास ये इतना खुला है निशान, तो आप इसको आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं सीधा इसके अंदर से देख करके। और दूसरा इसका खुला रखने का ये कारण होता है कि अभी ये जो हमने जगह 5.5 इंच रखी है, तो जो ब्लेड हम चेंज करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको प्लेट को हम खोलते हैं, खोलने के बाद में ही इसको फिटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इतना खुला रखेंगे, 5.5 इंच के करीब आप इसको को खुला रखेंगे, तो आसानी से इस ब्लेड को आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये खुला रहेगा तो ये जो ब्लेड होता है आपका कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरा पूरा आप इसके अंदर ये रखते हैं, हैंड कटर की जितनी ये मोटाई होती है ब्लेड की, उतना अगर आप पूरा पूरा रखेंगे तो इसके साथ में लग करके ये ब्लेड भी जल्दी से ख़राब हो जाएगा। जल्दी से ये आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है,
लेकिन अगर ये बिल्कुल जगह इसके अंदर नहीं होती तो बिल्कुल ये ख़राब हो जाता, इसके अंदर ये कालापन काफ़ी सारा आ जाता। तो अभी ये काफ़ी समय से चल रहा है, ब्लेड के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आई है और बढ़िया सफाई से जो लकड़ी की कटिंग है, प्लाई की कटिंग है, वो भी इसके अंदर हो जाती है। तो इसी तरीके से आप नए तरीके से ठल बना करके अपना काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा तरीका अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को आपने अभी तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।